सो हे एवरीवन, आज फिर से मैं रिसेंटली लॉन्च हुई मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है डोंट फॉरगेट आई लव यू। ये कहानी किसी टिपिकल रोमांस स्टोरी जैसे नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तभी इस एक्सप्लेनेशन को देखना। मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। करते हैं फिर एक्सप्लेनेशन स्टार्ट। मूवी की शुरुआत में यून नींद से उठकर बहुत ही घबराया हुआ था, जैसे उसके लिए ये सब नया हो। रूम में सभी जगह स्टिकी नोट्स थे, उनके ऊपर सारे कॉमन बातें लिखी हुई थी, जैसे आज ये दिन है, उसे क्या करना पड़ेगा और बहुत कुछ। उसमें से ही एक जनरल पर लिखा था, पहले इसे पढ़ो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ऐसे कई बातें हैं जो उसे पता नहीं फिलहाल के लिए। 18 महीने पहले उसका एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से एक छोटा सा ट्यूमर उसके ब्रेन में डेवलप होना शुरू हुआ। ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर को हिपोकैम्पस भी कट करना पड़ा। उस दिन से यून ने न्यू मेमोरीज बनाने की एबिलिटी खो दी। उसकी एक दिन की जितनी भी मेमोरी रहेंगी सोकर उठने के बाद वो सारी मिट चुकी होंगी, जैसे उसके लिए कोई नया दिन हो। उसे पहले की बातें सभी याद थी, कि वो कौन है, उसकी फैमिली एंड उसका काम। घबराते हुए उसने सबसे पहले कॉल किया अपने बहन मिनी को। मिनी के लिए ये कोई नई बात नहीं है कि उसने उसे फोन किया। यून ये हर रोज करता है। उसका मेन काम था म्यूजिक लिखना एंड कंपोज करना। मिनी के घर पर जाने के बाद उसने अपने बेटे को यून के पास छोड़कर उसे सारे इंस्ट्रक्शन दिए कि बेबी को कैसे संभालना है। मिनी की भी नर्सेस के साथ मीटिंग थी। बाय द वे, वो एक हेड नर्स है। डॉक्टर के थेरेपी टेस्ट की वजह से यून पहले से अच्छा कर रहा था, बट अभी भी वो न्यू मेमोरीज नहीं बना पाएगा। इस कंडीशन को डॉक्टर्स ने एंड्रोगेट एमनेशिया का नाम दिया था। इन सभी चीज़ों की वजह से वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था। हर दिन उसके लिए ऐसा लगता जैसे वो कहीं और है। वो जिनसे भी मिलता उसे लगता है कि वो पहली बार उनसे मिल रहा। डॉक्टर उसे कहते हैं यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रही है मेमोरी बूस्ट करने के लिए, उन्हें भी कैंडिडेट्स की ज़रूरत है, तुम ट्राई क्यों नहीं करते। यून का दोस्त एंड मैनेजर सीओक, उसने काफ़ी कोशिशों के बाद म्यूजिक प्रोड्यूसर को कन्वेंस किया कि यून की जगह किसी और म्यूजिक राइटर को ना ले मिस्यू के न्यू एल्बम थीम सॉन्ग के लिए। अब यून को किसी भी हालत में यू एंड आई सॉन्ग को लिखना कंप्लीट करना पड़ेगा। उस हादसे के बाद से उसने अब तक एक भी सॉन्ग नहीं लिखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या लिखे। अगर उसने ये सॉन्ग नहीं लिखा तो उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी पैसों से रिलेटेड। उन दोनों को अब किसी भी हालत में फ्राइडे तक एक न्यू लिरिक राइटर को ढूंढना पड़ेगा। रास्ते में यून को बहुत ही अजीब लड़की मिली। वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर गुस्सा कर रही थी, अगली बार रोने लगी और तीसरी बार आई एम ओके नाम का गाना सुनकर खुद को संभालने लगी। सच में काफ़ी अलग थी वो। सरप्राइजिंगली उसके थेरेपिस्ट वो लड़की ही थी, नाम सोचिन। वो डॉक्टर नहीं है, एक PhD स्टूडेंट है, जिसके कारण उसकी एज कम थी उसकी इमोशंस को देखने के लिए। सोचिन ने उससे पहले बाहर निकालकर कुछ तैयारियां की थेरेपी के लिए, जैसे कि कारपेट के नीचे कुछ स्टोन्स डालना, कैरेट जूस के अंदर तीखी सॉस डालना। उसने यून को म्यूजिक की मदद से क्वेश्चंस पूछे। उसने सभी क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, लेकिन हादसे के पहले वाले के। उनके थेरेपी के दौरान बार बार उसे अपने बॉयफ्रेंड का कॉल आ रहा था, जिसने सोजिन के ऊपर चीट किया था। वही वजह थी उसकी सुबह गुस्सा करने की। यून ने अपना कमाल दिखाते हुए एक छोटा सा म्यूजिक बनाया सोजिन के बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप करने के लिए। वैसे एक थेरेपिस्ट अपने पेशेंट से पर्सनल बातें नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो पता ही है अगले दिन तक वो सब कुछ भूल जाता है। आज की थेरेपी का वक्त यहीं पे ख़त्म हुआ। मिनी उसे मिलना चाहती थी। उसे लगा डॉक्टर कोई 50-60 एज की होगी, एंड वो निकली 28 साल की PhD स्टूडेंट। वो यून की बहुत ज़्यादा फिक्र करती, उसकी केयर करती,
यून ने सोजिन का फोटो अपने स्टिकी नोट्स के ऊपर लगा कर रखा था। अगली मुलाकात में यून सारी चीजों को भूल चुका था, वो कारपेट के नीचे के पत्थर, कैरेट जूस, सब कुछ। इस बार सोजिन ने परफ्यूम थेरेपी यूज की। भले ही कुछ चीजें याद रहे या ना रहे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें जैसे स्मेल या फिर कोई चीज, वो हमेशा याद रहती है। ये परफ्यूम वो हर थेरेपी के वक्त यूज करेंगे। इस बार भी उसे अर्जेंटली अपने अपार्टमेंट में जाना पड़ा। बीच में ही अपनी थेरेपी को रोक कर सुजन की कार खराब होने की वजह से यून भी उसके साथ चले गया। अपार्टमेंट के अंदर पूरा पानी भर चुका था। वो वैसे ही बहुत परेशान थी, अब और ज्यादा हो गई। उसने लिखे हुए जितने भी पोएट्स के पन्ने थे सब गीले हो चुके थे। यून ने उन सभी पन्नों को एक रस्सी के ऊपर सुखाने के लिए लटका दिया ताकि उस पर के शब्द मिटे नहीं। वो दोनों गीले हो चुके थे। यून ने उसके बॉयफ्रेंड का टी शर्ट पहन लिया। उसी वक्त उसका बॉयफ्रेंड आया और उसने बहुत झगड़ा किया। वो सोजिन को मारने ही वाला था, इसकी वजह से यून ने उसे बहुत मारा और थोड़ा मार भी खाया। रात को वो दोनों एक साथ बैठे हुए थे। सोजिन एक अच्छी थेरेपिस्ट्री नहीं, पोएट राइटर भी थी। उन पेपर्स के ऊपर कई सारे ब्यूटीफुल पोएट्स लिखे हुए थे। स्कूल टाइम के बाद उसे भी बड़े बड़े पोएट राइटर्स की तरह बनना था। ऐसे ही उसने एक बार कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, लेकिन लोगों ने उसके पोएट को बहुत हेट किया। उसका एक ही ड्रीम है, जो यहा जो पोएट जैसे बनना। वो साल में एक बार कई अलग अलग दुनिया के लोगों को बुलाती है उसकी पोएट को उनकी लैंग्वेज में बोलने के लिए। यून उसे कहता है, मैं अपने म्यूजिक स्टूडियो में काम करता था। एक दिन ऐसे ही मैंने अपना लिखा हुआ गाना उन्हें सुनाया। पता है उनका रिप्लाई क्या था? उन्होंने कहा, क्या तुम इसे गाना कहते हो? बहुत ही घटिया है। ऐसे ही कई बातें उसे कही गई। उस दिन मैंने उन बातों को सीरियसली लेकर मेहनत की। मैं भी अपनी हिम्मत हार सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे सॉन्ग के डेमोस भेजता रहा और एक दिन किसी ने मेरा गाना पब्लिश कर दिया। चलो मैं अब तुम्हारा ऑडियंस बनता हूँ, कुछ लिरिक्स लिखने की कोशिश करो। थीम रहेगा यू एंड आई। सोजिन अनएक्सपेक्टेडली कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लिरिक्स कही। एज अ थेरेपिस्ट की तरह सोजिन ने पहले ही अपने बॉर्डर्स क्रॉस कर दिए थे। उसने कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर लिया अपने पेशेंट के साथ। पहले ही ग्रेजुएशन में वो फेल हो चुकी है, उसके लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा मायने रखता। यून उसे उसके सॉन्ग राइटर बनने का ऑफर देता है। तुम अपना सपना पूरा भी कर पाओगी एंड मेरे साथ रहकर तुम अपनी स्टडीज भी कर सकती हो। सही कहा ना? घर पर जाने के वक्त अचानक से बारिश शुरू हो गई थी। वो दोनों ज्यादा ही करीब आ गए थे, लेकिन वो कहती है, मैं तुम्हारी साइकोलॉजिस्ट हूँ। यून को सोजिन से प्यार हो गया था, अभी ही नहीं पहले जब उसे पता चला कि वो उसकी थेरेपिस्ट है, उस दिन ही उसे प्यार हो गया था। ये प्यार कोई एक तरफा नहीं, सोजिन भी उससे काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। यून ने एक दूसरे का फोटो भी लिया मेमोरी के तौर पर। पता है ना आपको क्यों? उसने वो तस्वीर प्रिंट करा के अपने सामने रखी और उस पर लिखा, यू आर माइन। अगले दिन सोजिन उसके घर पर आई। आज वो दोनों एक साथ मिलकर सॉन्ग लिखने वाले हैं, लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या लिखे। उसने लिरिक्स कुछ इस तरह लिखे, पहली बार उसने ड्रिंक की, दूसरी बार उसने शावर लिया, तीसरी बार वो योगा कर रही थी और चौथी बार बर्तन धोते हुए। इसी बीच में उसने थोड़े थोड़े शब्द उसे लिखने के लिए कहे। ऐसे करते करते उन्होंने पूरा सॉन्ग लिख लिया। रात तक वो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। यून ने उसे अंदर बुलाया एक साथ गाना रिकॉर्ड करने के लिए। गाना गाते गाते उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया और इंटीमेट हुए। यून ने जो है जो को सुजिन का रिकमेंडेशन भेजा। उसने अपने रिकॉर्डिंग में कहा, तुम्हारे साथ आज जो हुआ वो शायद कभी तुम नहीं भूल पाओगे। एक चीज और याद रखना, तुम उससे बहुत प्यार करते हो। सुबह सोजिन को जाते हुए मिनी ने देख लिया। यून का आज फिर से रेगुलर चेकअप था। डॉक्टर उसे कहते हैं
भले ही तुम न्यू मेमोरीज क्रिएट ना कर पाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर फीलिंग्स ग्रो हो रही हैं। ये अच्छी बात है। यून के यहाँ आने का रीजन कुछ और था। उसे एक न्यू ट्रीटमेंट करवानी थी। उसमें ब्रेन के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करेंगे। उसके पास पैसे एज दोनों हैं, बट डॉक्टर उसे कहते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और अब टाइम जा चुका है, अभी इस वक्त तुम इस चीज़ को नहीं कर सकते। वो रिप्लाई में कहता है, मैं भी चाहता हूँ बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जीना। यून बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था उसकी कंडीशन की वजह से। जो सुबह की खुशी थी अब वो गुस्से में बदल गई। सुजन अपने प्रोफेसर को यून के प्रोग्रेस के बारे में बता रही थी। अचानक से उसे कैरेट जूस बहुत पसंद आने लगा। उसके घर में वही परफ्यूम कैंडल्स, स्टिकी नोट्स घर में सभी जगह है। प्रोफेसर उसे कहती है, तुम्हें इतना सब कैसे पता, कहीं तुमने रूल्स तोड़ तो नहीं दिए? और हाँ, अगली बार थेरेपी के वक्त ये सभी स्टूडेंट उन्हें मिरर के पीछे से देखने वाले हैं। सिर्फ यून उन्हें नहीं देख पाएगा। मिनी उसे समझाती है, प्यार में मत पड़ो, ये एक गेम जैसा है, जो उसमें गिर गया वो लूजर। तुम्हारे लिए जिंदगी पहले ही मुश्किल है, ऊपर से प्यार ऐसा मत करना। उसे भी पता चला वो लड़की सोची नहीं है। मिनी खुश तो लग रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ और था। अगले दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उन दोनों ने लिखा हुआ गाना थीम सॉन्ग के लिए सिलेक्ट हो गया था। मिनी सोजिन से बात करना चाहती थी। उसने यून के घर के कैमरा में उन दोनों को किस करते हुए देखा, जिसकी उसके पास वीडियो भी थी। ये तो कैमरा मैंने उसके सेफ्टी के लिए लगाया था, क्योंकि वो नींद में स्लिप वॉक करता है, बस इसलिए। तुमने उसे सिर्फ अच्छे वक्त में ही देखा है, तुम नहीं जानती उसके प्रॉब्लम्स को। क्या तुम इतना गिर गई कि अपना थीसिस लिखने के लिए तुम उसके साथ इंटीमेट हुई? अगर तुम उसके पास फिर से देखी तो ये क्लिप मैं तुम्हारे स्कूल में वायरल कर दूंगी। सोजन उसे कहती है, सिस्टर मैं उसे सच में बहुत प्यार करती हूँ, आप जो समझ रही है वैसा नहीं है। मिनी ने उन दोनों के साथ के जितने भी फोटोज नोट्स सब कुछ छुपा के रख दिया था, ताकि यून को फिर से वो याद ना आए। वो वैसे ही अगले दिन सब कुछ भूल जाता है। वो कहती है, तुम अगर सच में उससे प्यार करती हो तो उससे दूर रहना। इसके बाद यून उसी जगह अपनी थेरेपी के लिए आया था। पता है ना आपको, आज उन्हें सभी स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। फिर से सोजिन ने सारे काम कर रखे थे, वही कारपेट के नीचे रॉक्स जूस और परफ्यूम। पता नहीं अचानक से यून ने उस कारपेट के ऊपर से जाने से मना कर दिया, साथ ही उस जूस को पीने से भी, जैसे मानो उसे पता हो। सोजिन को ना चाहते हुए भी ये बताना पड़ा कि हम दोनों क्लोज नहीं थे, हम सिर्फ अब तक 3 बार ही मिल चुके हैं। वो उसके पास गया उसके परफ्यूम को स्मेल करने। बस उसने एक ही सवाल पूछा, वो था, क्या सच में हम क्लोज नहीं है? क्योंकि उसे स्मेल करने के बाद उन दोनों के इंटीमेट होने की यादें याद आ रही थी। एक चीज वो और पूछता है, क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है? और वही धुन गाने लगता है जो उन दोनों ने एक साथ मिलकर बनाई थी। उसकी वजह से वो अपनी इमोशन को रोक नहीं पाई और उठकर चली गई। इसकी वजह से प्रोफेसर ने उसे डांटने की जगह सपोर्ट ही किया। जो यह जो की तरफ से उसे ईमेल भी आया था कि वो सिलेक्ट हो चुकी है। आपको पता है ना, उस रात यून ने उसका लिखा हुआ गाना डेमो के तौर पर उन्हें भेजा था। देखो, हार ना मानने का नतीजा, वो आज सिलेक्ट हो गई। लेकिन उसे ये याद कैसे? दूसरी तरफ यून को कारण नहीं पता, फिर भी उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। ऐसे हालत में ही वो चले गया सॉन्ग रिकॉर्ड करने, वही जो उन दोनों ने एक साथ लिखा था। घर पर आकर बेड के नीचे उसे उन दोनों की तस्वीर दिखी। उसने सियोक से पूछा इस फोटो के बारे में। सियोक को तो ये भी नहीं पता कि ये लड़की कौन है। उसके जनरल में जो कुछ भी लिखा था 2 हफ्तों से, वो सब किसी ने डिलीट कर दिया। उसका शक गया मिनी के ऊपर, और वो सही था। उसने ये सब यून के भलाई के लिए ही किया था। वो कहती है, तुम उसका नाम याद तक नहीं रख सकते, अगर उसे कुछ हुआ तुम्हें अगले दिन तक याद भी नहीं रहेगा। तुम्हें ये तक नहीं पता कि तुम दोनों कितने दिन साथ रहे, तुम उसे कैसे खुश रख पाओगे।
अपनी मुश्किलें मत बढ़ाओ। यून की जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किलों से भरी रही। उसे किसी तरह एक जरिया मिला जिंदगी जीने का, वो भी मिनी ने उससे छीन लिया था। उसने सारे फोटोज, नोट, सब कुछ वापस कर दिया। उसकी भी कोई गलती नहीं, कौन अपने भाई को दुखी देखना चाहेगा। उस बॉक्स में एक लेटर भी था सोजिन ने लिखा हुआ। चलो सुनते हैं उसने क्या लिखा था। तुम भले ही मुझे अब तक भूल गए होंगे, लेकिन हम जब भी मिलते हैं तब ऐसा लगता तुम मुझे जानते हो। आज तक मुझे कोई भी समझ नहीं पाया, नहीं किसी ने मेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन वो तुम थे जिसने मुझे स्पेशल फील कराया, मुझ पर भरोसा किया। शुक्रिया। और एक चीज मत भूलना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन उसका कॉन्सर्ट शुरू हुआ। बाय द वे एक बात मैं बताना भूल गया, सॉन्ग का नाम एक्चुअल में यू एंड आई तो था ही, लेकिन दूसरा नाम था 1000 times I do। ये कॉन्सर्ट में सोजिन भी थी जो बहुत रो रही थी उसे देखकर। कॉन्सर्ट के बाद भीड़ में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, नहीं वो उसे देख पाया, नहीं उसे वो। एक चीज थी जिससे यून को पता चला सोजिन उसके पास ही है, वो था उसका परफ्यूम। यून उससे कहता है, मैं तुम्हें भले ही नहीं जानता बट तुम मुझसे दूर कभी मत जाना। सोजिन ने जो के साथ काम करने से मना कर दिया, लेकिन वो हमेशा पोएट लिखते रहेंगी। ऐसे ही करते करते 4 महीने बीते। आज ही उनका बर्थडे था, सभी लोगों ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी। उसी पार्टी में अचानक से सोजिन की तबीयत खराब हुई, क्योंकि वो 8 हफ्तों से प्रेग्नेंट थी। ये सभी बातें उसे पता चली डॉक्टर से। पता नहीं क्यों इस खबर से यून बिल्कुल भी खुश नहीं था। सोजिन को लगा कि यून नहीं चाहता इस बेबी को, इसलिए उसने बहुत कुछ कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था। वो तो बहुत ज्यादा खुश था, उसे चिंता थी कहीं ये कंडीशन उसकी बेबी को भी ना हो जाए। बस इसी वजह से उसे बहुत चिंता थी। असल में वजह ये थी, सिर्फ उसे ही पता है इस कंडीशन में उसने अब तक कितना सफर किया। ये बात सोजिन ने समझ ली। उन्होंने एक और बार मिलकर वेडिंग की। ये वेडिंग उनकी 3री बार हो रही। सब लोग बहुत ही खुश थे। डॉक्टर उसे बताते हैं उसे प्रीक्लेम्सिया हुआ है, इसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ेगा। ये बात सीरियस थी, अगर उसने ऐसे ही स्ट्रेस लिया तो उसे स्ट्रोक भी आ सकता है। सोजिन ने ये बात यून से छुपा कर रखने के लिए कही। ऐसे ही एक रात वो यून के पास जा रही थी, रास्ते में ही वो एकदम से बेहोश गिरी। डॉक्टर ने उसे कहा, टेस्ट से हमें पता चला तुम्हें सचमुच में प्रीक्लेम्सिया है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, हमें बेबी को जल्दी ही बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो उसकी डेथ भी हो सकती है, वो यून का इंतज़ार नहीं कर सकती। ऑपरेशन बहुत ही क्रिटिकल हो रहा था, ऊपर से हाई ब्लड प्रेशर और बेबी निकलने के बाद वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। हमें वही सुनना पड़ा जो हमें सुनना नहीं था। सोजिन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसका पहले ही बहुत ब्लड लॉस हो चुका। सोजिन उसे कहती है, कल हमारी एनिवर्सरी है, हम दोनों एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे ना, मुझे बहुत ठंड लग रही, क्या तुम मुझे हग कर सकते हो। बस इतना कहते कहते वो चली गई हमेशा के लिए। यून बहुत ज़्यादा टूट गया था, वो बस उसकी वीडियो देखता रहता और रोता। अचानक से कहानी शुरुआत से ही शुरू हुई, पता है ना, वही जनरल, वही फ़ोन कॉल, वही सब स्टिकी नोट्स जिन पर लिखा था आज उसे क्या करना है। यहाँ से वो गया अपने नेफ्यू को संभालने, ये सब बातें आपको तो पता ही है। चलो हम देखें आगे क्या हुआ। उससे बेबी को संभालना नहीं हो रहा था, इसलिए उसने फ़ोन किया मिनी के हॉस्पिटल में। उसे पता चला उसने आज हॉस्पिटल विजिट ही नहीं किया, वो तो अपने किसी रिलेटिव के मेमोरियल में गई है। वो चले गया मेमोरियल में, वो मेमोरियल और किसी की नहीं सोजिन की थी। हमें एक और शॉकिंग बात पता चली, वो उसका नेफ्यू नहीं उसी का बेबी है। सोजिन ने गुजरने से पहले उसके बेबी के लिए एक वीडियो बनाया था, उसमें यून और उसके सारे पल रिकॉर्ड थे ताकि उसके बेबी को आगे जाकर समझे
उसके डैड बाकी लोगों से काफ़ी अलग है और वो अपने डैड को अपनाए। उसे भी ये वीडियो देखकर सारी बातें याद आई। इसके बाद यून ने बेबी को खुद ही संभाला जब तक वो बड़ा नहीं हुआ। भले ही उसके लिए हर दिन ऐसा था जैसे ये बेबी कौन है, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागा। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। सो गाइस, ये थी डोंट फॉरगेट आई लव यू मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपने पूरी एक्सप्लेनेशन में एक बात नोटिस नहीं की होंगी, वो है बेबी। पूरी मूवी में हमने बेबी को कहीं नहीं देखा, देखा तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट और एंड पार्ट में। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। सो बाय बाय।